वेलकम स्टूडेंट्स, इस सवाल में हमें इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है यूजिंग एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स। सो हम क्या करते हैं कि पहले हम इक्वेशन को एक्सपैंड कर लेते हैं। सो एक्सपैंड करने पे हमें मिलेगा 4 इंटू एक्स माइनस टू इक्वल्स टू 5 इंटू 1 माइनस वाई, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, और 4x माइनस 8 इक्वल्स टू हो जाएगा 5 माइनस 5y, और 4x प्लस 5y इज इक्वल टू हो जाएगा 5 प्लस 8 मतलब कि 30। सो ये है हमारा पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन है 26x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0, इसे कि हम लिख सकते हैं 26x प्लस 3y इज इक्वल टू माइनस। सो ये हमारा दूसरा इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं कि कोफिशियंट्स को इक्वल करते हैं। सो आप देख रहे हो कि पहले इक्वेशन में y का कोफिशियंट है 5 और दूसरे में है y का कोफिशियंट 3। सो इसे हम एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देते हैं। नाउ इक्वेशन 1 इंटू 3 एंड इक्वेशन 2 इंटू 5 करने पे हमें मिलेगा 12x प्लस 15y इक्वल्स टू 39, और यहां मिलेगा हमें 1 30x प्लस 15y इक्वल्स टू 20 माइनस 20 होगा। सो अब हम क्या करते हैं कि इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सो सब्ट्रैक्ट करने पे साइन चेंज हो जाएगा। सो यहां पे आप देख रहे हो कि 15y माइनस 15y कैंसिल हो जा रहा है, और यहां है 12x माइनस 130x, तो हमें मिलेगा माइनस 118x इक्वल्स टू 39 प्लस 20 मतलब कि 59। देयरफोर x इक्वल्स टू हो जाएगा 59 डिवाइडेड बाय माइनस 118, जो कि हमें मिलेगा माइनस 1/2। अब हम क्या करते हैं, इसे किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। सो पुटिंग x इक्वल्स टू माइनस 1/2 इन इक्वेशन 1, हमें मिलेगा 4 इंटू माइनस 1/2 प्लस 5y इक्वल्स टू 13, और 5y इक्वल्स टू हो जाएगा 13 प्लस 2, therefore y equals to हो जाएगा 15/5 equals to 3। तो हमें x का वैल्यू मिल गया है माइनस 1/2 एंड y का वैल्यू मिल गया है 3। thus x equals to होगा माइनस 1/2 एंड y equals to होगा 3। थैंक यू।